झुंझुनू के बिसाव से है, जहां स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए अनूठी मुहिम चलाई है। यहां स्कूली बच्चों ने गौशाला प्रांगण में सैकड़ों पौधों को सर्दी से बचाने के लिए कवर्ड किया, साथ ही पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की लोगों से अपील भी की। वहीं बच्चों के इस प्रयास में शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन ने भी पूरा सहयोग किया। इस मौके पर शिक्षक महेश सिंह सिहाग ने बच्चों के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए असंतुलित पर्यावरण में संतुलन कायम करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना आवश्यक है। गौशाला प्रांगण में आए हैं ताकि यहाँ पे 100 से ज्यादा जो पौधे हैं वो अनकवर्ड हैं, हम उन्हें कवर्ड कर रहे हैं, उनमें पानी डाल रहे हैं, उनमें थोड़ा गड्ढा कर रहे हैं ताकि उनकी जड़ों तक अच्छे से पानी जा सके, और उनमें खाद डाल रहे हैं। आज हम सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर पेड़ों की सुरक्षा के लिए आए हैं। यहाँ हमने पेड़ों को कपड़ों से बांधा है तथा ये पेड़ हमने गायों को छाया देने के लिए बनाए गए हैं। हम यहाँ पर इन्हें पानी देने के लिए आए हैं तथा ये पेड़ बड़े होकर